रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आपका स्वागत है। मैं शशि मिश्रा फ्रॉम CPPS रांची यूनिवर्सिटी से। तो आज हम लोग रीजनिंग के पिछले चैप्टर्स में ही आगे कुछ और देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग टच करेंगे, जिससे हमारा जो भी उसमें इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम्स होता हो वो सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने पड़ते हैं, और उस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को उस तरह के सवालों का जवाब देना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाता है उन लोगों को, और वो थोड़ी थोड़ी यानी छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो हम लोगों को इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सबसे पहले हम लोगों को जो स्टेटमेंट होता है उसे पढ़ करके अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग उस चीज़ को समझ जाते हैं तभी उसके आधार पे जो भी अजम्पशन पूर्वधारणा दिया हुआ होता है उस पूर्वधारणा को देखते हैं कि कौन सा इसमें सही हो सकता है और कौन सा गलत हो सकता है, अर्थात कौन वैध है। अर्थात कई बार जो अजम्पशंस होते हैं वो लगभग है जो लगता है ऐसा कि ये सही है, लेकिन है जो कुछ कारण से वो क्या होता है गलत हो जाता है। तो हम लोगों को यही सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि कुछ अजम्पशन स्ट्रांग होते हैं जिसे हम वैध कह सकते हैं, वैलिड, और कुछ इनवैलिड होते हैं। अजम्पशन का अर्थ तो समझ गए होंगे, अजम्पशन का अर्थ ही होता है क्या, यानी जो कहा गया है, जो भी कथन कहा गया है उस कथन को किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, किस अर्थ में कहा गया है, उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझ लेना ही हम लोग कह सकते हैं अजम्पशन है। अब ये जो भी कथन होता है वो कंडीशनल होता है, इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो क्या होता है, कंडीशनल होता है। जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आपके गार्जियंस अगर ये कहते हैं कि जाओ पानी ले आओ, तो हम लोग यहाँ पे इस बात को आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे आपके गार्जियन जो हैं वो पानी लाने के लिए अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्लास में पानी लेकर के आना है वो किसके लिए, गेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बात को समझ रहे हैं, ये कहा नहीं गया है कि ग्लास में पानी लेकर के आना है गेस्ट के लिए, उन्होंने केवल कहा कि पानी लेकर के आओ, और हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर पानी किस तरह के बर्तन में लाना है और कितना लाना है। उसी तरह से हम लोग ये बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई नहाने जा रहा है और वो नहाने बैठा हुआ है और अगर वो कह रहा है कि भाई पानी ख़त्म हो गया है पानी ला दो, तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब उसे ग्लास में पानी नहीं चाहिए बल्कि जो चाहिए वो बाल्टी में चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बातें होती हैं ये कंडीशनल होती हैं कि हाँ हम लोग किस सिचुएशंस में कौन सी बातें कही गई हैं और उस सिचुएशन में उस बात का, उस कथन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अजम्पशन का यही अर्थ होता है कि जो कहा गया है उसके पीछे छिपे हुए अर्थ को किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, इस चीज़ को समझना ही क्या है, अजम्पशन। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। अब स्टेटमेंट है कथन, ए ने बी से कहा आप अपने बच्चे का किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से परीक्षण कराइए। ए बी को एक सलाह दे रहा है कि वो अपने बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है उससे उसका चेकअप करवाया जाए। अब यहाँ पे दो
पूर्व धारणा हो सकता है, या तो ए ने जो बी को सलाह दिया है तो बी या तो ए की सलाह को मानेगा या तो बी ए की सलाह को नहीं मानेगा। दो ही है जो यहाँ पे अजम्पशन हो सकता है, या तो वो सलाह को मानेगा या सलाह को उसके एडवाइस को नहीं मानेगा। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि बी ए के सुझाव को अनसुना कर देगा अर्थात नहीं मानेगा, तो ये जो हमारा पूर्वधारणा है कि बी ए के सलाह को नहीं मानेगा, इसे हम लोग गलत कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली एक सुझाव में यह माना जाता है कि जिसे वह सुझाव दिया जा रहा है वह उस पर कुछ ध्यान अवश्य देगा। अतः यह कहना कि बी जो है वो ए की सुझाव को अनसुना कर देगा ये अनुचित है, क्योंकि हम लोग अगर किसी को सलाह देते हैं तो ये सोच करके सलाह देते हैं कि जिसे हम सलाह दे रहे हैं वो हमारी बात को ध्यान देगा। अगर हम ये समझ जाते हैं कि अगर वो हमारी सलाह को नहीं मानेगा तो हम वैसे व्यक्ति को सलाह क्यों देंगे, तो इसका जो वैध होगा वो क्या होगा कि बी ए की सलाह पर ध्यान अवश्य देगा, ये सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निर्मित सभी टीवी सेट्स में ब्रांड एक्स की बिक्री सर्वाधिक है। अब यहाँ पे भारत में निर्मित यानी भारत में इस बात पॉइंट्स पर ध्यान रखना है कि भारत में निर्मित यानी भारत में जो बनाया जा रहा है टीवी सेट्स उसमें ब्रांड एक्स की बिक्री सर्वाधिक है। अब अगर यहाँ पे ये कहा जाए, इसका पूर्वधारणा अगर ये निकाला जाए कि किसी भी अन्य टीवी सेट्स की बिक्री ब्रांड एक्स के समकक्ष नहीं है, तो यह क्या है? गलत है। क्योंकि यदि पूर्वधारणा स्वयं कथन को ही दूसरे शब्दों में व्यक्त कर रही हो तो वह कथन ही माना जाएगा, अर्थात ये इसमें किसी भी तरह का कोई पूर्वधारणा नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पर ध्यान दें, सबसे अधिक बिक्री को किस ब्रांड की है? एक्स की। इसका मतलब यही हुआ कि कोई दूसरा ब्रांड जो है उसके बराबर नहीं है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों के जो अर्थ है, हमारा कथन और पूर्वधारणा, दोनों में कहीं कुछ अंतर नहीं नज़र आ रहा है। और पहले बताया जा चुका है कि रीस्टेटमेंट अर्थात जब दोनों का अर्थ सेम होता है तो उस तरह के पूर्वधारणा अजम्पशंस को हम लोग क्या करते हैं? गलत मानते हैं। क्योंकि यहाँ जो हमारा पूर्वधारणा है उसे दूसरे शब्दों में ही कहा जा रहा है और दोनों का अर्थ बिल्कुल ही सेम है, और इस तरह से पूर्वधारणा को यहाँ अवैध माना जाएगा, अर्थात इनवैलिड है और ये गलत है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अर्थ क्या है, दोनों का सेम है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन है मई के बाद खाद्यान्नों की कीमत में कमी आएगी, उस समय तक खाद्यान्नों की मांग में गिरावट आने लगती है। एक अर्थशास्त्री का कथन है, एक अर्थशास्त्री ने इस तरह का कथन दिया है। इसका अजम्पशन दिया गया है, पहला अजम्पशन है मई से पहले खाद्यान्न की कीमतें कम नहीं होंगी। दूसरा है वक्ता अर्थात जो अर्थशास्त्री है देश के किसानों के साथ संपर्क में है। तीसरा, खाद्यान्नों की मांग में कमी के साथ खाद्यान्नों की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। अब अगर हम लोग इसे डिटेल्स में समझें तो यदि एक ऐसा व्यक्ति जो देश के अर्थशास्त्र का ज्ञान रखता है यह कहता है कि मई के बाद खाद्यान्नों की मांग में कमी आएगी, है ना, अनाजों की जो है खाने पीने की वस्तु उसकी मांग में कमी आएगी तथा तदनुसार कीमतें भी कम होगी, यानी डिमांड भी कम होगा और उसका कीमत कॉस्टिंग भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उससे पहले कीमतों में कमी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कोई अर्थशास्त्री इस तरह का बात कर रहा है कि मई के बाद उसमें कमी आएगी, तो उम्मीद है कि मई के पहले उसमें कमी
आने की संभावना नहीं है। अर्थात पहला जो है यहाँ, मई से पहले खाद्यान्न की कीमतें कम नहीं होगी, ये सही है। दूसरा, पक्के तौर पर इसके विषय में नहीं कहा जा सकता। दूसरा जो हमारा पूर्वधारणा है कि अर्थशास्त्री जो है वो देश के किसानों के साथ संपर्क में है, ऐसा ये हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते कि वो किसानों के साथ संपर्क में हैं ही, और ना ही इसका कथन से कोई लेना देना है। तीसरा जो कहा गया है, मांग में कमी के साथ खाद्यान्न की उपलब्धता भी कम हो जाएगी, ऐसा भी इस प्रकार कथन से कोई संबंध हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि अगर किसी का डिमांड में कमी होगी, सॉरी कॉस्टिंग कमी होगी, तो उसके डिमांड सप्लाई भी क्या होगा, वो कम होगा। कॉस्टिंग कम है तो क्या है, सप्लाई भी कम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए तीसरा भी जो है वो स्टेटमेंट से नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए ये क्या है, वो गलत है।